कि भगवान तो नहीं है लेकिन पूजने योग्य इनका नाम है, कि भगवान तो नहीं है लेकिन पूजने योग्य इनका नाम है, और जिस पावन धरती पर हम खड़े हैं ना वो श्री मंडन मिश्र जी का था। तो स्वागत है आप लोगों का एक बार और ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम आए हैं मंडन मिश्र जी की धाम पे और आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पे दिखाना है कि यहाँ की क्या कहानी है, जो गलत भावनाएं लोग के मन में बैठी हुई है, और भी बहुत कुछ की जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं, और हम लोग आपस में मिलकर के बहुत ज्यादा चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मंडन मिश्र का ये जो पावन भूमि है, यहाँ का आप लोग दृश्य और नजारा को पहले एंजॉय कीजिए, उसके बाद में हम लोग देखेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि आखिर की यहाँ की कहानी क्या हुई है। तो सबसे पहले यहाँ का नजारा आप लोग एंजॉय कीजिए। आइए हम लोग फिर से जानते हैं मंडन मिश्र के बारे में, जो आखिर मंडन मिश्र जो है वो है क्या। सबसे पहले प्रश्न है कि मंडन मिश्र है क्या। तो मंडन मिश्र जो है वो दर्शन शास्त्र के अद्वितीय विद्वान हुए हैं, मतलब अद्वितीय विद्वान थे हुए हैं, क्योंकि उनके जैसा पहले कभी कोई नहीं था और ना कोई होगा दर्शन शास्त्र के मामले में। वो बहुत बड़े विद्वान थे। तो उन्हीं के पावन स्थान पर हम यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि मंडन मिश्र की ही ये भूमि है महिषी, जो कि सहरसा जिला, जो कि बिहार में पड़ता है, बिहार के सहरसा जिला के एक छोटे से गांव में, महिषी गांव में जो है यह जगह स्थित है। और यह जो है मतलब यहाँ पे जब आइएगा आप लोग तो बहुत ज्यादा शांति आप लोग को जरूर मिलेगी। तो सबसे पहले मुद्दा आता है कि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में शास्त्रार्थ हुआ था कि नहीं हुआ था, तो इनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो आचार्य मंडन मिश्र के बारे में जिस प्रकार से हम जानते हैं कि उन्होंने 6 अलग अलग प्रकार की बुक लिखी है दर्शन शास्त्र के मामले में, जो कि है स्पोर्ट्स सिद्धि, और भी 5 किताबें हैं जो कि आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल गई होगी।
तो ये 6 प्रकार की किताब की रचना उन्होंने की है। और भी जैसे कि अब बाकी डिस्कस करते हैं कि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बारे में शास्त्रार्थ हुआ था कि नहीं हुआ था। तो सिर्फ एक बुक की हम बातें करते हैं यहाँ पे, जिनका नाम है शंकर दिग्विजय, जो कि उन्हीं लोगों के आसपास के इलाके में लिखी गई बुक है, जिनके आधार पे हमें बताया जाता है कि शास्त्रार्थ हुआ था और यही घटना को हम सभी लोग मानते आ रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे सेमिनार होता है और अलग अलग प्रकार की जानकारियां निकल के आती जानकारियां निकल के आती है, तो यह पता चलता है कि एक्चुअल में शास्त्रार्थ मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में हुआ ही नहीं था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि शंकराचार्य और मंडन मिश्र जो थे, वो शंकराचार्य के जो अलग अलग बारे में दिया गया है आदि शंकराचार्य के बारे में, तो आसपास लगभग 800 एडी के आसपास वो विद्वान हुए। और मंडन मिश्र की बात करते हैं, तो मंडन मिश्र जो है 650, 640, 620 और 700 के एडी के आसपास के हुए विद्वान। जब इतने पूर्व, और ये हुए कब के विद्वान, तो आज से नहीं, एडी की बात कर रहे हैं हम, 600 एडी, 700 एडी। इनका कहने का मतलब है कि जब हमारा जो मनुष्य है उनका जो निर्माण हुआ था, तो सबसे आखिरी जो खोज है वो हड़प्पा सभ्यता और ये सभ्यता मोहनजोदड़ो के बारे में बताया जाता है। तो उनके 1300 साल के आसपास की ये कहानी और घटनाएं हैं। तो उस समय में इतने दूर से चले पाना, और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। और बीच में बहुत जगह बताया जाता है कि धर्मूला नदी के बारे में, तो धर्मूला नदी तो बता देंगे कि भाई जब हम बताएंगे कि वहाँ के आसपास की, तो वहाँ के आसपास के कोई नदी का नाम बता देंगे, इसका नाम बता देंगे। इससे यह प्रूफ थोड़ी होता है कि शंकराचार्य एक्चुअल में शास्त्रार्थ हुआ था। इन दोनों का जो समय अंतराल है वो 200 साल से 150 साल के बीच का है, तो शास्त्रार्थ होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। कहीं कोई किताब ऐसा नहीं है जो यह बताता है कि दोनों एक ही एक्चुअल समय के थे। हर किताब में अलग अलग प्रकार की जानकारी है। कोई बताता है 800 एडी के आदि जो शंकराचार्य थे वो 800 एडी के थे, और मंडन मिश्र जो है हमारे वो 700 एडी के आसपास के, 620 से लेकर के 700, इससे ज्यादा तो जानकारी कहीं पे नहीं है। तो इन सब जब हम घटनाओं के बारे में देखते हैं, तो पता एक्चुअल में चलता है कि शास्त्रार्थ तो एक्चुअल में हुआ ही नहीं था कभी। हमारे जो मंडन है वो कभी किसी से पराजित नहीं हुए थे। और इसी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को और भी प्रकार की वीडियो चाहिए, जैसे मैंने पिछले में बताया था कि तरास्थान के ऊपर वीडियो बनाया था, और भी प्रकार की जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए, और अगर किसी प्रकार से हम लोगों से वीडियो में त्रुटि हुई है, तो उनको माफ कीजिए। किसी के भावनाओं को अगर ठेस पहुंची है तो वो माफ कीजिए। फिलहाल ये जानकारी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली थी, तो हम लोग ने देने की कोशिश की। और यहाँ पे ये एक पर्यटन स्थल बनना चाहिए, इसके लिए भी अगर वीडियो के माध्यम से अगर कुछ आप लोगों को मदद मिलती है, या वीडियो कोई ऊपर तक जाता है, और आप लोग ना वीडियो को थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि यहाँ का जो स्थल है मंडन मिश्र का जो स्थल है, वह एक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाए। यह एक इतना बड़ा मुद्दा है कि यह एक वीरान पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंसान नहीं आते हैं, आते हैं, व्यक्ति देखने के लिए आते हैं कि एक्चुअल में क्या है यहाँ पे, और आकर के देखते हैं तो क्या है, बस इनके नाम पे बस एक टेम्पल है छोटा सा, और एक उधर टेम्पल है, और ये छोटा मोटा सा जगह है। इनको विनती रहेगी कि यह एक पर्यटक स्थल बने, इनके लिए आप भी सपोर्ट कीजिए। आप गाँव के व्यक्ति हैं, शहर के व्यक्ति हैं, आप इन वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ताकि ये वीडियो आगे तक पहुँचे। और यह जो है वीरान पड़ा हुआ स्थल, यह एक अच्छा और पर्यटक स्थल बने। फिलहाल इसी वाणी के साथ हम वीडियो में विराम चाहते हैं, और फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।